हेलो एवरीवन, बैक टू द चैनल जय हिमांशु भाई। इस वीडियो में हम कुलिच ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और वो एक्सरे प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कुलिच ट्यूब में क्या होता है, हमारे पास एक ग्लास चेंबर होता है, उसमें यहाँ पे हम एक प्लेट लेते हैं, मेटेलिक प्लेट, और उसे एक एक्साइटिंग वोल्टेज से कलेक्ट कर देते हैं। ये हीटिंग वोल्टेज का काम करती है, मतलब जब हम इसमें वोल्टेज पास करेंगे, जब करंट पास होगा यहाँ पे प्लेट से, तो ये प्लेट गर्म होकर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, जिसे थर्मोनिक इमिशन बोलते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ भागना शुरू हो जाएंगे दूसरी प्लेट की तरफ। अब दूसरी प्लेट एक मेटेलिक प्लेट है, उसको भी हमने किससे कनेक्ट कर रखा, बैटरी से, जिसे वी नॉट पोटेंशियल पे है। ये बैटरी क्या करती है, इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देके यहाँ पे अट्रैक्ट करने का काम करती है इलेक्ट्रॉन्स को। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर जाने लगते हैं और यहाँ पर आगे स्ट्राइक करते हैं। और हमें पता है जब भी कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगे, मतलब एक्सेलरेशन का मतलब ही गैस पे फोर्स लगी, तो उसकी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में निकलती है, जो कि एक्सरे की फॉर्म में निकलती है। जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है उसे इस वोल्टेज की वजह से उसको हम निकाल सकते हैं ईवी से, ईवी। अब काइनेटिक एनर्जी ईवी हो गई यहाँ पे, और जो एनर्जी मिली यहाँ पे वेव को, उसके फॉर्मूला क्या होता है, एस सी बाय लैम्डा। लैम्डा मिनिमम ले लिया, तो लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला कितना गया, एस सी अपॉन ई वी नॉट। क्लियर हो गया। जहाँ पे जो एफ वी था, वी और वी नॉट में फ़र्क है, वी था फिलामेंट वोल्टेज जो कि एक्साइट करने का काम करता है, और अगर हम ये बढ़ाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये होता है कुलिच एक्सपेरिमेंट, और इस तरह से हम इसमें एक्सरे प्रोडक्शन को स्टडी कर सकते हैं।